कष्ट, माँ ये सलवार सूट पहन लीजिए, ट्रेन के सफर में आराम रहेगा। और ये 3 सलवार सूट अपने बैग में रख लीजिए, इसे पहनकर घूमने में आसानी होगी। पिया अपने सासू माँ पूजा को सलवार सूट देते हुए कहती है, बहू पर मैं कैसे, वो तेरे बाबूजी को। पूजा जी बोली रहती कि पिया के ससुर जी राजेश जी बात करते हुए गुस्से से चिढ़ कर कहते हैं, ये क्या बहू, बोरा गई हो क्या, और लोग क्या कहेंगे, इस उम्र में ये पहना शोभा देता है क्या भला, जो कल तक नहीं किया वो अब करेगी। रहने दे बहू, ये सब नए जमाने के दिखावे, तुम्हारे सासू माँ साड़ी में ही अच्छी बली है, क्यों शोभा नहीं देगा बाबूजी ये सब, और लोग क्या कहेंगे, इस डर से जीना छोड़ देंगे। बाबूजी लोगों का क्या है, वो कल भी ऐसे बोलने से नहीं चुकते थे और आज भी नहीं चुकेंगे, पर आप तो कम से कम माँ जी के बारे में सोचिए। उन्हें घुटनों में हमेशा दर्द रहता है और इसकी वजह से कई बार उनके पैर लड़खड़ा जाते हैं और साड़ी में फंस कर माँ जी गिर जाती है। पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था जब आप लोग द्वारका गए थे, कितनी चोट आई थी उनके पैरों में और कितने दिनों तक उन्हें कष्ट झेलना पड़ा था, क्या भूल गए बाबूजी। बहू की बात सुनकर थोड़ी देर राजेश जी शांत रहते हैं, फिर कुछ सोचते हुए कहते हैं, पर एक बार फिर से सोच ले बहू, क्या सच में तेरे सासू माँ का ऐसा करना अच्छा लगेगा, वो भी अब जब वो नाती पोती वाली हो गई है, और क्या तेरे सासू माँ इसे पहनने के लिए तैयार है। सोच लिया बाबूजी, बिल्कुल अच्छा लगेगा, और माँ जी क्यों तैयार नहीं होगी, उन्हें तो उल्टा साड़ी से ज्यादा इसमें आराम मिलेगा। बस अब एक बार हाँ तो बोलिए, वो तो आपके ही हाँ का कब से इंतजार कर रही है बाबूजी। और वैसे भी माँ जी तो यही खड़ी है, आप ही पूछ लीजिए बाबूजी, मुस्कुराते हुए पिया कहती है। पिया का ऐसे कहने पर राजेश जी पूजा जी को छेड़ते हुए कहते हैं, तो पूजा जी इसे पहनकर भाग तो पाओगी ना, क्योंकि हम लोग लेट हो रहे हैं और ऐसा ना हो कि आपके हाँ के चक्कर में हमारी ट्रेन छूट जाए, इसलिए जल्दी से पहनकर तैयार हो जाइए, मैं अब ऑटो लेकर आता हूँ। राजेश जी ऑटो लेकर आते हैं और इधर पूजा जी सलवार सूट पहनकर तैयार हो जाती है और जाते जाते अपनी बहू का शुक्र अदा करते जाती है, क्योंकि उसी की वजह से आज उन्होंने अपने अंदर एक बदलाव को महसूस किया। आशा करती हूँ आपको स्टोरी पसंद है, तो प्लीज सब्सक्राइब और लाइक करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।